सब्सक्राइब कीजिए क्रिएटिव चैनल्स को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप अपडेट रहे हमारे हर वीडियो से। दोस्तों और अब कैसे हैं और स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प्स। दोस्तों आज मैं कोई वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा हूँ और ना कि मेरा कुछ ऐसा इसमें जो मैं बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स जो है नहीं यूज़ करने वाला हूँ। ये जैसे मेरी पुरानी वीडियोस जब आप देखेंगे उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड है जो बीटेक मैकेनिकल किए हुए हैं या डिप्लोमा या आईआईटी जो भी बंदे हैं उन लोगों के लिए, लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये सबके लिए हैं और मैं बहुत ही कम और टेक्निकल वर्ड यूज़ करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, हर लोगों से शेयर करना और ख़ासकर जितने एसी मैकेनिक्स हैं ना उनको ज़रूर शेयर करना ये वीडियोज़। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, जो हाँ कंप्रेसर में ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट होने मतलब हमारे केयरलेस की वजह से ये बहुत बड़ा दुर्घटना घटती है। और अगर हम इस पर अगर हम आज नहीं उठेंगे ना तो हम आगे इसी तरीके की और भी प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि एक इंसान पता है सिर्फ वो इंसान नहीं होता है, वो लोगों से जुड़ा होता है, उसके माँ होते हैं, उसके बाप होते हैं, और एक छोटी सी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम अपनी जान को खो देते हैं। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस, इस चीज़ का दर्द मैं काफ़ी वीडियोस देखा जिसके अंदर मतलब एसी मैकेनिक्स की, अभी हाल में एक पेपर में आया कि एसी मैकेनिक्स का कंप्रेस मतलब एसी गैस चार्जिंग करने से गए थे और उनका कंप्रेसर फटने से, कंप्रेसर फटता है मतलब मैं बता रहा हूँ, उनके नॉर्मली लिखते हैं कि एसी फटने से वो मतलब उनकी जान चली गई। तो दोस्तों मेरा आज का इस वीडियो में यही कहना है कि हमें जब भी हम जाएंगे तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है जिसकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप जब भी जाएं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब भी वो आते हैं या मैं साइट पे भी देखता हूँ, लोग अपनी एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि सर मैं एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि कितना गैस जानी है और कितना गैस नहीं जानी है और कितना प्रेशर है और कितना, देखो ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये देखो मैंने एक मुहावरा सुना था बचपन में कि तैराकी डूबता है, और डूबता तैराकी है, क्योंकि हम तो नहीं डूब पाएंगे ना, मतलब मुझे अगर सपोज करें कि मुझे तैरना नहीं आता है तो हम नहीं डूबेंगे, और जब तैरना ही वाला ही डूबता है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस कभी भी काम नहीं आता है, ये मशीन है, ये कभी भी आप ये सोच लेना कि अगर आपको 16 साल का एक्सपीरियंस है, 17 साल का एक्सपीरियंस है और आप इस नतीजे पे होके जा रहे हैं कि नहीं यार मैं गैज मीटर लेके नहीं जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। सबसे पहली बात कि दो तरीके की मशीन होती है, जैसे कि आप एक नया इंस्टॉल करने जा रहे हो और एक पुराना जो पहले से इंस्टॉल है, उसमें आपको दोनों में से कोई भी प्रॉब्लिटी हो अपनी आप सारा इक्विपमेंट लेके जाएं, ठीक है, और जैसे नाइट्रोजन फ्लशिंग पूरे अच्छे से करें, और जब नाइट्रोजन फ्लश करते हैं आप, नाइट्रोजन फ्लश का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो नाइट्रोजन जब अगर नया इक्विपमेंट है तो उसके अंदर जब ब्रेजिंग वगैरह होता है तो अंदर में कुछ कंकड़ उंकड़ रह जाता है, तो उसको पूरी तरह से फ्लश किया जाता है कि कहा अंदर में कुछ रहे नहीं, तो आप अच्छे से करने के बाद उसको वैक्यूम करें अगर नया है, ठीक है, अगर पुराना है तो मैं उसके लिए बताता हूँ, अगर नया तो अच्छे से वैक्यूम करें, ऐसे तो टेक्निकली -500 माइक्रोन जो है, अगर बंदा टेक्निकली है तो समझ जाएगा, अगर -500 माइक्रोन तक उसको अच्छे से फ्लश करें, और जब मैं वैक्यूम करने के बाद, ये नहीं है कि आप एक बार कंप्रेसर स्टार्ट करने के बाद भी वैक्यूम करें, क्योंकि नाइट्रोजन कहीं ना कहीं वहाँ तक भी पहुँचती है, ठीक है। और दोस्तों एक बार बता रहा, जब आप गैस डालते हैं उसके अंदर, जब फ्लश कर लें, वैक्यूम कर लें अच्छे से, तो उसके अंदर जितने गैस डालते हैं उससे ज़्यादा भी गैस जाती है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन इतना याद रखिए, एक तो आप विदाउट कंप्रेसर चलाए हुए गैस डाल देते, मैं बड़े इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो और जब आप कंप्रेसर चलाते हैं तो उसके, क्योंकि कंप्रेसर भी अपना एक वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम देती है, फिर बाद में भी हम उसमें गैस डालते हैं, तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ज़रूर डालें, कोई भी खतरा ना लें। और जैसे अगर मैं छोटी 0.8 kg आता है, अगर हम छोटे रेंज के लिए स्प्लिट एसी के लिए बात करें, तो इन सब चीज़ों का प्रेशर जो है, जैसे अगर थोड़ा सा मैं टेक्निकली बात करना चाहूँगा, 450 से 400 तक प्रेशर रखते हैं हम, PSI कहते हैं, ये प्रेशर नापने की यूनिट होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, ये नए कॉयल के लिए 450-450 PSI, अगर पुराना कॉयल है, ये नहीं कि इतना मतलब कॉयल का मतलब पाइप के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ये पुराना पाइप है ना, अगर आप 400 से 450
तक अगर आप प्रेशर डालेंगे तो कहीं ना कहीं पे लीकेज होने की जरूरत हो पड़ सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता है, मेटल्स हैं वो डिग्रेड होना ही होना है। और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा टेक्निकली, जब कोई भी रेफ्रिजरेंट या कोई भी सामान या वाटर भी जहाँ किसी मेटल से जाता है तो फ्रिक्शंस होता है, फ्रिक्शंस की वजह से वहाँ पे मेटल क्रोजन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेयर्स जो होती है, जो मोटा होता है, जो उसकी मोटाई होती है, वो थोड़ी 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 कम होती रहती है। तो जब रेफ्रिजरेंट घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो फ्रिक्शंस होते हैं। फ्रिक्शंस का मतलब रुकावट, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको उसके वजह से उसके अब ये नहीं कि अगर नया है तो आप 400 450 300 350 तक आप करके देख लो, फ्लशिंग का प्रेशर भी आप नाइट्रोजन का इतना डाल के उसमें मेंटेन करके देख लो। अगर पुराना है तो 250 से 200 250 डालो उसमें नाइट्रोजन, ठीक है, प्रेशर को देखने के लिए कहीं से लीकेज हो रहा है कि नहीं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बहुत कान खोल के सुन लो कि अगर कहीं पे लीकेज है ना, तो उसको बहुत शॉर्ट तरीका है पहचानने का। मैं यहाँ पे सारे मैकेनिक्स को बताना चाह रहा हूँ कि सबसे शॉर्ट तरीका यह है कि आप पाइप में देखो कि कहीं पे ऑयल तो नहीं है, क्योंकि ऑयल जो होता है उसके जो तेल तेल जिसे कह सकते हैं, तेल जैसे चिकना पदार्थ निकला होता है, क्योंकि जहां से लीकेज होता है ना, रेफ्रिजरेंट टूट गया लेकिन रेफ्रिजरेंट के साथ जो कंप्रेसर का ऑयल भी होता है ना, उसके साथ आ जाता है, तो वहां पे वो दाग बना के रखता है वो, तो आप वहां से भी पहचान सकते हो, ठीक है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यू बैंड में आप ज़रूर देख लो जहां जहां बैंड है, क्योंकि जहां पे बैंड करते हैं ना हम, वहां पे कहीं ना कहीं उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो एक थ्रेशोल्ड होता है, मैं आपको एक किसी भी मेटल का, जब भी कोई मेटल टूटता है ना, तो एक मैं बहुत ही नॉर्मल वे में बताना चाह रहा हूँ कि उसकी एक मतलब एक ताकत होती है, उसके आगे अगर हम उसको मोड़ देना तो वो टूट जाता है, समझ रहे हैं इस बात को। तो इस ये टेक्निकली यील्डिंग पॉइंट आता है, ये सब आता है, वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, ये एकदम कॉमन लोगों के लिए है। तो जहाँ पर हम बेंड करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वहाँ से मुड़ता है तो वहाँ से मेटल क्रोजन का मतलब क्या बोलूँ उसको, कि जिस तरह वहाँ से मेटल सबसे ज़्यादा पतला हो सकता है वो पाइप जो है कॉपर पाइप है, तो वहाँ पे लीकेज होने की सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है। तो याद रखना दोस्तों, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप यू बैंड ज़रूर से ज़रूर देख लें। उसके बाद आपको मैंने एक शॉर्ट फार्मूला बताया है कि आप उस फार्मूले को ज़रूर देख लें। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जब भी आप प्रेशर जो आप उसमें डालें तो अपना एक्सपीरियंस नहीं यूज़ करें, आप कभी भी नहीं यूज़ करें, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ। और हाँ, दो चीज़ें यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आज बहुत लोग कहते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट है वो मिक्स रेफ्रिजरेंट है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने ये कह देते हैं कि नाइट्रोजन एज अ रेफ्रिजरेंट, तो दोस्तों नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट नहीं होता है। कुछ मैं मिस कॉन्सेप्ट भी मैं बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पे कुछ लोगों ने ऐसा डाल रखा है कि नाइट्रोजन इज़ अ रेफ्रिजरेंट, नाइट्रोजन इज नॉट अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट उसको कहते हैं कि जिसके वजह से कूलिंग होती है, ठंडा होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी बताना चाहता हूँ कि जो गैस होती है ना, जिसे आप लोग गैस कहते हैं, ऐसे उसको टेक्निकल टर्म में रेफ्रिजरेंट कहते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है, एक मेरी वीडियो उसमें आप देख लेना, मैं अलग से समझा रखा हूँ अगर आप देखना चाहो तो। तुम वो क्या करती है, रूम का जो हीट है ना वो लेने के बाद, हम थोड़ा सा मैं टेक्निकली बताना चाह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत समझ में आ रहा है तो मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों से। बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि रेफ्रिजरेंट को कहते हैं कि नाइट्रोजन से मिक्स किया, लेकिन रेफ्रिजरेंट नाइट्रोजन नहीं होता है, मैं यही बता रहा हूँ आपको। और हाँ, वो हीट जो है लेने के बाद वेपर बन जाता है, वेपर जाने के बाद वो कंप्रेसर में जाता है, उसे कंप्रेस करते हैं, फिर उसको कंडेंसर में डालते हैं, उससे हीट निकालते हैं, और फिर इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, फिर से वो गैस बन के आ जाता है आपका जो एवेपरेटर है, जो अगर एयर कंडीशन का जो इन जो आपका अंदर में होता है जो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एवेपरेटर, ठीक है। एवेपरेटर का मतलब होता है, और जो बाहर आउटडोर होता है, जो इंडोर होता है उसको वहाँ से हीट लेने के बाद वो आउटडोर में छोड़ देता है। खैर, इसके लिए मेरे पास एक नई वीडियोस बनाने मेरी है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है। दूसरी बात दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि गैस मिक्स करके बेचा जा रहा है, गैस मिक्स करके नहीं बेचा जा रहा है, सॉरी, कह देते हैं कि नाइट्रोजन मिक्स करके बेच देते हैं, नाइट्रोजन मिक्स करके कहीं नहीं बेचते हैं, ये लैक ऑफ नॉलेज है, और प्लीज़ उन सब चीज़ों को ना देखें। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ
कि कहीं आप गलत चीज़ देख के गलत चीज़ ना सीख लें। ब्लेंडिंग कहते हैं उसको, ब्लेंडिंग के ब्लेंडिंग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ब्लेंडिंग रेफ्रिजरेंट इसलिए बोलते हैं, क्या होता है कि जैसे सपोज कि एक रेफ्रिजरेंट है 410A, R410R एज अ रेफ्रिजरेंट, और जो लोग जो जो हमारे टेक्निकल बंदे हैं, मैं रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला और कैसे कैसे बनता है, क्या क्या होता है, वो मैं बहुत जल्दी वीडियोस बना रहा हूँ और उस पर आप वो वीडियोस देखना। तो रेफ्रिजरेंट R20A का अगर हम क्या करते हैं, दो रेफ्रिजरेंट को कुछ लोग मिला के उसकी जो प्रॉपर्टी अचीव करते हैं तो उसको कहते हैं ब्लेंडिंग। अब उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ी दुर्घटना ये होती है कि क्या होता है कि जैसे 60% किसी एक रेफ्रिजरेंट को मिलाना है और 40% एक रेफ्रिजरेंट को मिलाना है। अगर 60 और 40 को मिला दें तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी या वो एक्ट लाइक करने लगेगा, वो जैसे रेफ्रिजरेंट 410A होता है। तो दोस्तों उसकी तरह करने के लिए क्या होता है कि जो 60% जो मिलाते हैं वो महंगी रेफ्रिजरेंट है और 40% जो मिलाते हैं वो सस्ती रेफ्रिजरेंट है। तब उसमें क्या होता है कि अगर हम जो सस्ती वाली को 40 कर दें और जो 60% हो जो सस्ती वाली है उसको 60 कर दें और जो महंगी वाली उसको 40 कर दें, तो कहीं ना कहीं वो रिवर्स एक्ट करने लगती है और उसके वजह से भी ब्लास्ट हो जाता है रेफ्रिजरेंट। कंप्रेसर जब हम चालू करते हैं और गैस फील करने के बाद हम जब वहाँ पे, सबसे पहले दूसरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं जो डिस्कस किया हूँ, और मैं दूसरी बात यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जब भी आप कभी भी कोई भी इक्विपमेंट अगर आप ऑन कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आउटडोर है, ठीक है, अगर आउटडोर है तो आप प्लीज़ उसके पास ना रहें, ना जाएं, ठीक है, उसके पास मतलब आउटडोर करके उसके साइड हट जाओ ना। मैंने भी यार इतना काम करवाया है, मतलब जब भी कंप्रेसर हम ऑन करते थे, हम खुद लेबर से कहते थे कि तुम जब भी कंप्रेसर ऑन होता, हम तो न्यू इंस्टॉलेशन हम लोग कराते थे वहाँ पे, तो हम उनसे कहते थे पहले कंप्रेसर ऑन हो रहा है हट जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ, और तो ये ज़रूरी है कि आप उतर जाएं, हट जाएं, गैस जब आप डाल दें और कंप्रेसर जब आप ऑन करते हैं तो वहाँ से दूर हो जाए, और दूर होने के बाद ऑन कराएं, ऑन करने के बाद कुछ देर तक चलने दें उसे, ठीक है, और चलने के बाद ही आप, वो क्या होता नहीं कि आउटडोर यहाँ अभी क्या है, नहीं क्या बड़े बड़े प्लांट में तो ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े प्लांट में क्या होता है कि आउटडोर जो होता है छत पे रखते हैं, तो छत पे तो हम पैदल वॉक करके दूर हट सकते हैं। अभी आउटडोर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि आउटडोर पीछे घर के बाहर टांग देते हैं, और वो एक मजदूर बेचारा होता है जो मैकेनिक होता है, वो बेचारा रस्सी से या किसी के द्वारा टंगा होता है बेचारा, वो ठीक कर रहा है, उसमें चार्जिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है बेचारा। अब वहां से वो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कि हटना नहीं चाह रहा है, तो उसने जो भी, अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जैसे क्या होता है, एक जगह मैंने देखा कि किसी ने नाइट्रोजन प्रेशर प्रेशर डाल के, नाइट्रोजन डालने के बाद क्या हुआ कि प्रेशर डाल के और वो चला गया मैकेनिक्स, और दूसरा मैकेनिक्स आया, उसको बताया भी लोगों ने नहीं कि इसने नाइट्रोजन डाला, क्योंकि उस मैकेनिक्स ने चला गया था। तो जब भी कभी भी हो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो एसी मानो मंगवा रहे हैं, बनवा रहे हैं और मैकेनिक बुला रहे हैं, अगर आपने किसी से भी किसी भी मैकेनिक से आपने दिखाया है तो ज़रूर से ज़रूर आप दूसरे मैकेनिक्स को बता दें कि देखिए आज या कल एक मैकेनिक आया था, उसने कुछ ऐसा ऐसा किया है, तो वो इस बात को पता लगा ले कि इसके अंदर गैस है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी बातें हैं, बहुत ज़रूरी बातें हैं, और मैं चाहता हूँ कि इन बातों को ज़रूर आप सबसे शेयर करें इस वीडियोस को, और सही जानकारी बचाएं बताएं सबको, और एक जिंदगी आपको बचाना है किसी तरीके से भी। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।